गुड मॉर्निंग टू ऑल मैं सी ए करनी बोथरा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर आज मैं आज सी ए फाइनल का एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ दैट मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वाइंडिंग अप का चैप्टर जो कि बेसिकली अपन एग्जाम डे में नॉर्मली ये टॉपिक कवर करके नहीं जाते क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है रहता है लेकिन मैं इस टॉपिक को आज खासकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम डे के लिए ही इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक में आपको थर्टी से फोर्टी मिनट्स में अराउंड पूरे कंसेप्ट को मैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन uh, है उनको पूरा रिवाइज कर दूंगा आपको तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जस्ट वन डे बिफोर अगर आप एग्जाम में इस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे तो आपको इस टॉपिक में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो स्टार्ट करते हैं अपन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बेसिकली वाइंडिंग अप Uh, का जो प्रोजन है ना वो कंपनीज एक्ट में भी दिया गया है और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी दिया गया है एक्ट में वाइंडिंग अप की जो प्रोजन है वो केवल एन के द्वारा वाइंडिंग अप हो सकता है दैट मीन्स एन अगर ऑर्डर देती है तो कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकता है एन के ऑर्डर पर टू सेवेंटी वन में ग्राउंड दिए गए हैं कि किस ग्राउंड के बेसिस पर एन कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकती है एंड सेकेंड इज द इंसॉल्वेंसी बैंक कोड इसमें डिटेल वैसे देखा जाए वाइंडिंग अप का पूरा प्रोजन है अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो सकती है अपनी इच्छा से शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप कर सकते हैं लेकिन अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है डिफॉल्टर हो चुकी है तो डायरेक्टली वाइंडिंग अप नहीं होगा पहले रिजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश की जाएगी मतलब कंपनी को रिवाइव करने के लिए इंसॉल्वेंसी से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर वाइंडिंग अप होगा एनसीएलटी सी एल यहां पर ऑर्डर पास करेगी वाइंडिंग अप का तो पहले यहां पर कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी और अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रिस्क रिवाइव करना देन कंपनी का फिर वाइंडिंग अप होगा बाय एन ऑर्डर तो अपन कंपनी एक्ट में आते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप की जो प्रोविजन है सेक्शन टू से स्टार्ट होते हैं सेक्शन टू में ग्राउंड दिए गए हैं कि किस ग्राउंड पर ट्रिब्यनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है पांच ग्राउंड दिए गए हैं फर्स्ट ग्राउंड अगर कंपनी खुद एस पास करती है जर्नल मीटिंग में और अप्लीकेशन देती है सच अप्लीकेशन सेल बी अ कंप्लेन बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी फाइल करना पड़ेगा कंपनी को सेकेंड अगर कंपनी एक्ट कर रही है अगेंस्ट द स्वर्निटी ऑफ इंटीग्रिटी अगेंस्ट द फ्रेंडली रिलेशनशिप अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरलिटी थर्ड ग्राउंड अगर कंपनी फ्रॉडुलेंट मैनर या अनलॉफुल मैनर में एक्ट कर रही है लेकिन इस ग्राउंड में केवल आर या पर्सन अथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेशन दे सकते हैं फोर्थ अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न फॉर फाइव कंटिन्यूअस ईयर और लास्ट जस्ट इन अदर ग्राउंड लाइक डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो गया कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर इस केस में ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है अगर कोई अदर रेमेडी नहीं है तो फिर लास्ट रेमेडी इज द वाइंडिंग अप अब 272 में यह दिया गया कि वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कौन फाइल करेगा अपलीकेशन ट्रिमल को कौन देगा तो पहला फर्स्ट कंपनी दे सकती है के, लेकिन ग्राउंड नंबर थ्री में केवल आर जो ग्राउंड नंबर थ्री था ना फ्रॉडुलेंट एक्ट उसमें केवल आर या पर्सन अथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्लीकेशन दे सकते हैं बस लेकिन कंपनी जब भी अप्लीकेशन देगी साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी फाइल करेगी द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब कंपनी की लेटेस्ट एसेट लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है उसकी डिटेल सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटरी दैट मीन्स मेंबर फाइल कर सकते हैं लेकिन तभी कर सकते हैं या तो वो ओरिजिनल अलॉट ही होने चाहिए मतलब शेयर उनको डायरेक्टली कंपनी से अलॉट हुए हैं या फिर अगर उन्होंने शेयर मार्केट से खरीदे थे मेंबर ने तो उनके पास शेयर एटलीस्ट सिक्स मंथ होल्ड होने चाहिए आउट ऑफ एटीन मंथ प्रिस द कमिस्मेंट ऑफ वाइंडिंग अप वाइंडिंग अप कमिश होने के पिछले अठारह महीने में से पिछले अठारह महीने में से छः महीने उनके पास शेयर रजिस्टर्ड ऑनर के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर थर्ड इज़ द अगर उनको डेथ पर शेयर मिले यानी लीगल हियर हो गया वो भी एलिजिबल रहेगा पिटीशन फाइल करने के लिए थर्ड आर फाइल कर सकता है ग्राउंड नंबर वन को छोड़ के बाकी किसी भी ग्राउंड में लेकिन आर को सी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने से पहले एक बार कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड जरूर देगी फोर्थ एनी पर्सन एथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लास्ट इज द किसी भी ग्राउंड में जा सकते हैं और लास्ट इज द देंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड नंबर टू पर अप्लीकेशन दे सकते हैं ग्राउंड नंबर no. टू अगेंस्ट द स्वर्निटी इंटीग्रेटी फ्रेंडली रिलेशनशिप इस ग्राउंड पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद पिटीशन फाइल कर सकती है और साथ में जब भी हम पिटीशन फाइल करेंगे तो अप्लीकेट एक कॉपी आर को भी फाइल करेगा और आर अपना सिक्सटी डेज के अंदर व्यू रखेगी अपनी रिकमेंडेशन अपनी व्यू ट्रिब्यूनल के पास कि उस वाइंडिंग अप के बारे में उसका क्या कहना है आर का क्या कहना है अपनी व्यू क्या है आर अपना व्यू रखेगी ट्रिब्यूनल के पास विद इन सिक्सटी डेज के अंदर तो एक कॉपी जब भी हम पिटीशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल के साथ हम एक कॉपी आर को फाइल करेंगे आर अपना व्यू रखेगी सिक्सटी डेज के अंदर फिर टू सेवेंटी थ्री में एन सी नब्बे दिन के अंदर या तो वाइंडिंग रिजेक्ट कर देगी पिटीशन या वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देगी या इंटेरियम ऑर्डर पास कर सकती है सच अदर इंटेरियम या प्रोविजनल लिक्विडेशन का ऑर्डर दे सकती है या अदर ऑर्डर लेकिन प्रोविजनल लिक्विडेशन का ऑर्डर देने से पहले एक बार ऑपरचुनिटी कंपनी को दिया जाएगा लेकिन नो no अपॉर्चुनिटी अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि बिना अपॉर्चुनिटी दिए रीजन रिकॉर्ड करने के बाद वो बिना अपॉर्चुनिटी दिए भी प्रोविजनल लिक्विडेशन का ऑर्डर दे सकती है नेक्स्ट अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर पिटीशन अदर देन कंपनी ने फाइल किया है और ट्रिब्युनल को लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस है तो ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देगी कंपनी को कि टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद इन थर्टी डेज और एक्सटेंशन दे सकती है फर्दर थर्टी डेज स्पेशल केस में और अगर कंपनी फेल हो जाती है तो कंपनी कैन नॉट रेस द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द वाइंडिंग अप और डायरेक्टर के अगेंस्ट में 25 से 5 लाख का फाइन 25,000 से 5 लैक्स और सिक्स मंथ की इंप्रीजमेंट हो सकती है फर्दर अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाता है तो डायरेक्टर लोगों की ड्यूटी है कि वो लिक्विडेटर को सबमिट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा कर डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर नेक्स्ट 275 में लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट के बारे में लॉ दिया गया है कि लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी या तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को या फिर प्रोफेशनल इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड अंडर द इन्सॉलेंसी बैंक कोड और लिक्विडेटर की ड्यूटी है सात दिन के अंदर उनको डिक्लेरेशन देना है अगर उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है या आ, 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 इंडिपेंडेंसी में कॉन्फ्लिक्ट कौन, ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है तो वो ट्रिब्यूनल को अपनी अपना डिस्क्लोज करेंगे डिक्लेरेशन में विद इन सेवन डेज के अंदर टू में ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकती है लिक्विडेटर को ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट फ्रॉड मिस प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंट लिक्विडेटर अनेबल टू एक्ट अगर वो टाइम नहीं डिवोट कर पा रहा है या उसके लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी हो गई है या उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ट्रिब्यूनल उससे रिकवर करेगी अगर उसने फ्रॉड किया था लिक्विडेटर ने या मिस फीसेंस किया था और उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है तो ट्रिब्यूनल उस लॉस को रिकवर करेगी फ्रॉम द लिक्विडेटर से और नया लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर देगी टू सेवेंटी सेवन वेरी इंपॉर्टेंट है जैसे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर होता है उसके सात दिन के अंदर ट्रिब्यूनल इन्फॉर्म करेगी आर को प्लस लिक्विडेटर को सात दिन के अंदर आर उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कर देगा और ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देगा प्लस इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अगर कंपनी लिस्टेड है तो आर इंटीमेट कर देगा और लिक्विडेटर की ड्यूटी है तीन वीक के अंदर वाइंडिंग अप ऑर्डर के तीन वीक के अंदर अप्लीकेशन देना है ट्रिब्युनल को फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी जिसमें तीन टाइप के मेंबर रहेंगे फर्स्ट ऑफिसियल लिक्विडेटर जो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी सेकेंड नॉमनी ऑफ सिक्योर क्रेटर और थर्ड इज द प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द एन लाइक सी जो भी ट्रिब्यूनल नॉमिनेट करेगी वाइंडिंग अप कमेटी का काम है लिक्विडेटर को हेल्प करना वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में और मॉनिटरिंग करते रहना प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप लाइक टेकिंग ऑफ ओवर एसेट्स ऑफ द सेल ऑफ एसेट में फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर लिस्ट ऑफ़ कॉन्ट्रीब्यूटरी रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये सभी काम रहेंगे और हर महीने इसकी मीटिंग होगी लिक्विडेटर कॉल करेगा मीटिंग और उस मीटिंग में वाइंडिंग अप की जो प्रोग्रेस चल रही है उस रिपोर्ट को रखा जाएगा और वाइंडिंग अप कमेटी अप्रूव करने के बाद उस रिपोर्ट की कॉपी ट्रिब्यूनल को फाइल की जाएगी टुगेदर विथ मिनट्स बुक के साथ और ये रिपोर्ट हर मंथ बेसिस पर फाइल करते रहना टिल द जब तक फाइनल वाइंडिंग अप कंप्लीट नहीं हो जाता और फाइनल रिपोर्ट फाइल नहीं हो जाती ट्रिब्यूनल के पास तब तक 279 सेवेंटी स्टे ऑफ सूट के बारे में है कि एक बार वाइंडिंग अप ऑर्डर स्टार्ट वाइंडिंग अप हो गया ऑर्डर तो अब कोई भी सूट कंपनी के अगेंस्ट में कंटिन्यू नहीं चलेगा और नया फ्रेश सूट कमेंस नहीं हो सकता है अनलेस परमिटेड बाय ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल अप्लीकेशन को परमिट करेगी सिक्सटी डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगी कि परमिट करना है कि नहीं करना है लेकिन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता अगर अपील पेंडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो उसमें स्टे नहीं लगेगा वो कंटिन्यू चलते रहेंगे नेक्स्ट 281 एटी लिक्विडेटर को रिपोर्ट प्रीलिमरी रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को सबमिट करेगा लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर उसमें वो पूरी डिटेल देगा डिटेल ऑफ एसेट्स के बारे में इंक्लूडिंग लोकेशन वैल्यूड उसकी वैल्यूसन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा और कैश बैलेंस बैंक बैलेंस सेपरेटली बताएगा निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट लाइविलिटी की डिटेल सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कंपनी को कितना पैसा लेना है और लाइकली अमाउंट रिलाइस कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट उनकी अनपेड कॉल की डिटेल उसके बाद डिटेल ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर नेक्स्ट डिटेल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी कंपनी की कैपिटल की इंफॉर्मेशन इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल ये सभी इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर सबमिट करेगा प्लस अगर लिक्विडेटर को लग रहा है कि कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन uh, 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 में अगर कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है तो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करेगा अपनी इस रिपोर्ट के साथ इंक्लूड करेगा कि उसकी ओपिनियन में लग रहा है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है और इस रिपोर्ट को कोई भी मेंबर और कंट्रीब्यूटरी और क्रिएटर इंस्पेक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट 282 में ट्रिब्यूनल रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी और टाइम फिक्स करेगी कि इंटायर अप कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए और कंपनी कब तक डिजॉल्व हो जानी चाहिए टाइम फिक्स करेगी उस टाइम लिमिट को रिवाइज भी कर सकती है ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न के रूप में सेल कर दिया जाए और ट्रिब्यूनल में अपॉइंट द सेल कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूनल एक सेल कमेटी अपॉइंट कर सकती है जिसमें क्रेटर प्रमोटर और ऑफिसर ऑफ कंपनी मेंबर बनेंगे कमेटी में और अगर ट्रिब्यूनल जो रिपोर्ट आई थी लिक्विडेटर से टू एटी वन में या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेशन देती है या फिर एनी पर्सन की कंपनी में फ्रॉड हुआ था तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी कि कंपनी में पहले इन्वेस्टिगेशन होगा 210 में और अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि फ्रॉड हुआ है तो इस केस में 337 से 342, 339 से 342 का एक्शन लिया जाएगा पेनल्टी या फिर लिक्विडेटर को टर्मिनल डायरेक्शन देगी टू फाइल द क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन वो इन्वॉल्व इन द फ्रॉड दैट्स इज सेक्शन थ्री टू सेवन टू एटी टू टू एटी थ्री केवल रीडिंग के लिए है कि जैसे ही लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ऑल प्रॉपर्टी सेल नाउ इन द कस्टडी ऑफ लिक्विडेटर एंड सच प्रॉपर्टी सेल डीम टू बी इन द कस्टडी ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ट्रिब्यूनल माना जाएगा कि वो ट्रिब्यूनल के कंट्रोल में है और अगर लिक्विडेटर अप्लीकेशन देता है या ट्रिब्यूनल को खुद पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की है और वो कंपनी के बैंकर के पास या एजेंट के पास या ऑफिसर इम्प्लॉय के पास है तो ट्रिब्यूनल उन्हें ऑर्डर देगी कि उस प्रॉपर्टी को तुरंत लिक्विडेटर को हैंड करो नेक्स्ट टू एटी फोर प्रमोटर डायरेक्टर कॉपरेट करेंगे लिक्विडेटर को वाइंडिंग अप के समय डिस्चार्ज लिक्विडेटर की अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हेल्प करेंगे अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सिक्स मंथ की जेल और फिफ्टी थाउजेंड तक का फाइन और बोथ हो सकता है नेक्स्ट सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी जैसे ही लिक्विडेशन स्टार्ट होता है लिक्विडेटर लिस्ट प्रिपेयर करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट ए और लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी और वो लिस्ट लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट जो 281 में रिपोर्ट थी उसके साथ फाइल करता है और ट्रिब्यूनल फाइनलाइज करती है लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी की कॉन्ट्रीब्यूटरी में इंक्लूड होगा ए प्रजेंट मेम्बर और एज वेल एज वू हैज बीन द मेंबर ऑफ द कंपनी बट पास्ट मेंबर तीन केस में लायबल नहीं रहेंगे पास्ट मेंबर तीन केस में लायबल नहीं रहेंगे अगर उनकी मेंबरशिप सीजेस हुए एक साल या उससे अधिक हो चुका है बिफोर द कमिस्टमेंट ऑफ वाइंडिंग अप सेकेंड अगर प्रेजेंट मेंबर इज सफिस टू कॉन्ट्रीब्यूट देन पास मेंबर सेल नॉट लायबल एंड थर्ड इज द इफ एनी लाइबिलिटी और क्रिएटर हैज बीन अराइज आफ्टर सीजेशन ऑफ मेंबरशिप अगर कोई फ्रेश लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए पास मेंबर लायबल नहीं रहेगा और इस सेक्शन में यह भी दिया गया कि मेंबर की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी रहेगी तो मैक्सिमम लाइबिलिटी रहेगी अगर कंपनी की शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो मैक्सिमम अनपेड अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अमाउंट ऑफ गारंटी और अगर कंपनी में दोनों है तो अमाउंट ऑफ गारंटी एज वेल एज अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल इसका मतलब अगर शेयर फुल्ली पेडअप है तो मेम्बर की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी कंपनी में फर्दर याद रखिएगा पास कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइबिलिटी तो है लेकिन अगर कंपनी में सरप्लस सरप्लसराइज होता है मतलब एसेट ज्यादा है तो सरप्लस एसेट में पास पास कॉन्ट्रीब्यूटरी का कोई राइट right नहीं रहता है सरप्लस एसेट में केवल प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी का ही राइट right रहता है नेक्स्ट टू एटी सिक्स ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर अगर लिमिटेड कंपनी है और डायरेक्टर और मैनेजर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो रही है इस एक्ट में क्यों हो रही है क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया था क्रेडिटर लोगों के साथ क्रेडिटर लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो रही है एक्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर लोग अनलिमिटेड लाइबल रहेंगे लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर लोगों की लाइबिलिटी एक्ट में अनलिमिटेड हो रही है तो इस केस में वो एज ए ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में तो लाइबल रहेंगे ही रहेंगे प्लस उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी अनलिमिटेड कंपनी के डेट्स के लिए लायबल रहेंगे डायरेक्टर और मैनेजर क्योंकि एक्ट में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड की गई है लेकिन दो केस में वो अनलिमिटेड लायबल नहीं रहेंगे अगर वो डायरेक्टर सिर्फ सीजेस हुए एक साल या उससे अधिक हो चुका है बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप और सेकेंड केस इज दैट कि अगर कोई फ्रेश क्रेडिटर अराइज होता है उनकी डायरेक्टर सिर्फ सीजेस होने के बाद तो इस केस में वो लाइबल नहीं रहेंगे पास्ट डायरेक्टर डेट्स इज सेक्शन टू एटी सिक्स टू एटी सेवन है एडवाइजरी यह भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रिब्यूनल जब वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास करेगी तो ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट मे 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 डायरेक्ट ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे सकती है कि एडवाइजरी कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट करनी है जो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करेगी एडवाइजरी कमेटी में ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी जिसमें मैक्सिमम बारह मेंबर रहेंगे बींग क्रिएटर कॉन्ट्रीब्यूटरी और सच अदर पर्सनल जो ट्रिब्यूनल बताएगी और कौन मेंबर और कौन क्रिएटर क्योंकि कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर है बहुत सारे क्रिएटर हैं उसमें से केवल हमको 12 को बनाना है तो इसके लिए लिक्विडेटर एक मीटिंग कॉल करेगा क्रिएटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी की तीस दिन के अंदर वाइंडिंग अप ऑर्डर के तीस दिन के अंदर टू इनेबल द ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी इसके बाद 290 में ट्रिमिनल लिक्विडेटर के पावर दिए गए हैं टू कैरी ऑन बिजनेस वाइंडिंग अप के लिए बिजनेस करना जरूरी है तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना एसेट को सेल करना लाइबिलिटी को पे करना ये सभी 291 प्रोफेशनल असिस्टेंस अगर लिक्विडेटर को लगता है कि मेरी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए लिक्विडेटर की ड्यूटी उसको हेल्प लगेगी एक्सपर्ट की प्रोफेशनल की लाइसी ए e. कॉस अकाउंटेट कंपनी सेक्रेटरी लीगल प्रैक्टिसनर और अदर एक्सपर्ट की तो वो ट्रिब्यूनल से परमिशन लेकर अपॉइंट कर सकता है और उसकी हेल्प ले सकता है प्रोफेशनल की लेकिन जो प्रोफेशनल अपॉइंट होगा उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है अगर उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कंपनी के साथ लाइक उस वो इंडिपेंडेंट नहीं है जो प्रोफेशनल है तो उसको एक डिक्लेरेशन ट्रिब्यूनल को फाइल करना है थ्रू नाइनटी थ्री में दिया गया बुक्स लिक्विडेटर को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी है और कोई भी क्रिएटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ ट्रिमिनल कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट खुद या एजेंट के थ्रू 294 एक वेरी आईएमपी सेक्शन है लिक्विडेटर को प्रॉपर और रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है इंक्लूडिंग प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन प्रेस्क्राइब मैनर और लिक्विडेटर को फॉर सच इंटरवेल एज में भी प्रिस्क्राइब नॉट एटलीस्ट टू टाइम्स इन ईच ईयर मतलब हर साल दो बार कम से कम या सच पीरियड जो ट्रिमिनल बताएगी फाइल करना है रिसिव एंड पेमेंट अकाउंट को टुगेदर विथ वेरी डिक्लेरेशन के साथ टू वेरी वेरीफाई करने के लिए प्रिस्क्राइब मैनर में प्लस ट्रिबिनल सेल कॉज द अकाउंट टू बी ऑडिटेड लिक्विडेशन के जो अकाउंट है लिक्विडेटर के उसके अकाउंट्स की ऑडिट भी करवाने का ऑर्डर देगी उसके लिए लिक्विडेटर को सच रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन और वाउचर सबमिट करने और लिक्विडेटर कभी भी लिक्वि ट्रिब्यूनल कभी भी लिक्विडेटर के बुक्स ऑफ अकाउंट को एट एनी टाइम इंस्पेक्शन कर सकती है और टू कॉल कर सकती है इंस्पेक्शन के लिए और ऑडिट होने के बाद लिक्विडेटर की ड्यूटी है ऑडिटेड अकाउंट की कॉपी ट्रिब्यूनल को फाइल की जाएगी एक कॉपी आर को फाइल करेगी और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो सेंट्रल को स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है स्टेट को अगर दोनों, दोनों मेंबर है तो दोनों को फाइल की जाएगी और जैसे ही ऑडिटेड अकाउंट होते हैं उसकी कॉपी या उसकी समरी प्रिंट करवाना है और हर कॉन्ट्रीब्यूटरी और क्रिएटर को भेजना है पोस्ट के थ्रू लेकिन क्रिमिनल इस रिक्वायरमेंट से वेव कर सकती है कंपनी को डिस्पेंस कर सकती है रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंडीशन 295 में यह दिया गया सेट ऑफ के बारे में कि अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी को कोई भी पैसा लेना है और देना भी है तो सेट ऑफ नहीं होगा पहले उसे देना पड़ेगा एक्सेप्ट लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल uh, कभी भी ऑर्डर uh, दे सकती है कॉन्ट्रीब्यूटरी uh, को कि आपको जो भी पैसा देना है वो पैसा दो सेट ऑफ नहीं हो सकता लेकिन अगर कंपनी ने सभी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है और कॉन्ट्रीब्यूटरी को पैसा लेना है डिविडेंड का पैसा और कॉन्ट्रीब्यूटरी को कॉल का पैसा देना है कॉल इन एरियर का तो वो दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं लेकिन कब हो सकते हैं जब सभी क्रेडिटर को फुल पेमेंट कर दिया गया हो नेक्स्ट टू नाइंटी नाइन पावर ऑफ ट्रिमिनल टू समन एनी पर्सन वो सस्पेक्टेड टू हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी जैसे ही ट्रिमिनल वाइंडिंग अप या प्रोविजनल लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करती है ट्रिमिनल को पता चलता है कि कोई कंपनी की प्रॉपर्टी जो है ना वो थर्ड पर्सन के पास कस्टडी में है उसके पजेशन में या थर्ड पर्सन को कोई पैसा देना है इन डेटेड टू कंपनी कंपनी को पैसा लेना है थर्ड पर्सन से या ट्रिब्यूनल को पता चलता है कि उस पर्सन के पास कंपनी के अफेयर्स के बारे में कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ट्रिब्यूनल उस पर्सन को समन इशू करेगी और उसे एग्जामिन करेगी ओथ पर अगर ओरल एग्जामिन करती है तो उसके स्टेटमेंट को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी और उससे साइन लेगी उसके बाद ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर को बोलेगी कि आप ना उस एसेट के बारे में रिपोर्ट दो जो एसेट थर्ड पर्सन की कस्टडी में रखी गई है जिससे लिक्विडेटर एग्जामिन करके रिपोर्ट देगा कि वाकई में वो एसेट किसकी होनी चाहिए अब ट्रिब्यूनल उसके स्टेटमेंट को एग्जामिन की प्लस लिक्विडेटर ने जो स्टेटमेंट फाइल किया उस एसेट के बारे में रिपोर्ट दी है उसको एग्जामिन करने के बाद ट्रिब्यूनल को लगता है कि वो एसेट वाकई में कंपनी को बिलोंग करती है तो ट्रिब्यूनल थर्ड पर्सन को ऑर्डर देगी कि वो एसेट आप कंपनी को डिलीवर करो और इंडेटेड अगर आपको कंपनी को पैसा देना है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कि उतना पैसा कंपनी को पे करो दैट्स पावर ऑफ समन उसका अरेस्ट ऑफ पर्सन थ्री जीरो वन ये एक इंपॉर्टेंट है जो में आ चुका है कि अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले या ऑर्डर के बाद भी अगर ट्रिब्यूनल को पता चलता है कि कोई एसेट कंपनी की कंट्रीब्यूटरी के पास है जो कि इंडिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है इज़ अबाउट टू लीव इंडिया और एफ्सकॉन्ट भागने की कोशिश कर रहा है या किसी कंट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी है कंपनी पर कॉल की लाइबिलिटी है और वो उसको पता है कि मुझे देना है तो वो अपनी खुद की जो पर्सनल एसेट है ना उसको कंसील कर रहा है रिमूव कर रहा है जिससे कंपनी ना उससे रिकवर ना कर सके कॉल का पैसा तो ट्रिब्यूनल ना उस पर्सन को डिटेन कर लेगी कंट्रीब्यूटरी को फॉर सच पीरियड एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट और उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी फॉर सच पीरियड एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट दैट्स इज सेक्शन थ्री जीरो वन थ्री जीरो टू डिजॉल्यूशन ऑर्डर थ्री जीरो टू में जैसे ही वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाएगा लिक्विडेटर अप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को डिजोल्यूशन के लिए ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है डिजोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगी डिजोल्यूशन ऑर्डर की कॉपी तीस दिन के अंदर आर को फाइल करनी है अगर लिक्विडेटर नहीं फाइल करता है और उसी को ऑर्डर की कॉपी तो उस पर फाइव थाउजेंड रुपीज तक का अप टू फाइव थाउजेंड की पेनल्टी अट्रैक हो सकती है पर डे की नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर राइडिंग प्रिफरेंस है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट है थ्री ट्वेंटी सिक्स एंड थ्री ट्वेंटी सेवन में थ्री ट्वेंटी सिक्स ओवर राइड करता है थ्री ट्वेंटी सेवन को प्रिफरेंशियल पेमेंट की लिस्ट को ओवर राइड करता है थ्री ट्वेंटी सिक्स ये बोलता है कि वाइंडिंग अप के समय वर्क मे ड्यू वर्कर लोगों की सैलरी जो फैक्ट्री में काम करते हैं लेबोरियस वर्क जो मैनेजेरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम नहीं करते उनकी जो सैलरी है प्लस सिक्योर्ड क्रिएटर इन दोनों को पहले फुल पेमेंट करेंगे लेकिन कंपनी की एसेट इन है इन दोनों को फुल पेमेंट करने में तो इनको इक्वल प्रपोर्सन में पे किया जाएगा लेकिन प्रोविजो बोलता है कि अगर वर्कमैन ड्यू पिछले दो साल के अंदर ओवर ड्यू हुआ था वाइंडिंग अप कमे सोने के पिछले दो साल के अंदर तो वाइंडिंग अप ऑर्डर के पिछले दो साल के अंदर तो इस केस में सबसे पहले वर्कमैन ड्यू को पे करेंगे तीस दिन के अंदर उसके बाद फिर सिक्योर क्रेटर को पे करेंगे <coughs> तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि वर्क में ड्यू कौन से पीरियड का है वाइंडिंग अप ऑर्डर के पिछले दो साल के अंदर का है कि दो साल से अधिक पुराना है तो आपको एजम्पसन लेनी है आप एजम्पन मेरी ओपिनियन में ये लेना चाहिए कि मोर देन टू इयर्स का है क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ना उसमें दो साल से अधिक को मानते हुए बनाया गया है तो एजम्सन ले लीजिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूं एक क्वेश्चन सपोज कंपनी की एसेट चालीस लाख रुपए है एसेट चालीस लाख रुपए है वर्कमेन ड्यू को पे करना है बीस लाख रुपए और सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है कंपनी को साठ लाख रुपए यानी कंपनी की एसेट इनसफिशियंट है दोनों को पे करने में क्योंकि दोनों को पे करना है अस्सी लाख रुपए कंपनी के एसेट चालीस लाख रुपए तो लॉ क्या बोलता है कि दोनों को इक्वल प्रपोर्सन में पे करेंगे मतलब फोर्टी लैक्स सेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ रेश्वेंटी मतलब चालीस लाख में दस लाख रुपए वर्कर को मिलेगा और सिक्योर क्रेटर को तीस लाख रुपए मिलेगा लेकिन अगर वर्कमैन ड्यू पिछले दो साल के अंदर ओवर ड्यू हुआ था अगर ये दो साल के अंदर ओवर ड्यू हुआ था तो पहले इनको पे करना है चालीस लाख में से फिर बाद में सिक्योर कैटर को पे कर रहे ठीक तो अगर आपको एक्जम्सन लेनी पड़ेगी और सपोज इसमें दो पार्ट है सपोज इसमें दो पार्ट है दो साल के अंदर वाला दस लाख रुपए है और दो साल से ओवर अधिक दस साल का दस लाख रुपए टोटल बीस लाख है वर्कर रो का दो साल के अंदर वाला दस लाख और दो साल से अधिक दस लाख तो, तो सबसे पहले दस लाख रुपए पे करेंगे फिर तीस लाख बचा है अब तीस लाख रुपए हमको बांटना है किसके बीच में वर्कर को कितना देना है दस लाख और साठ लाख क्रिएटर को तो इस रेशियो में तीस लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आपको एजम्सन यही लेनी है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बीस लाख रुपये पूरा का पूरा यही मानिएगा कि दो साल से अधिक ओवर हो गया है तो इस केस में चालीस लाख रुपए टू इंस टू सिक्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू इंस टू सिक्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उसके बाद प्रिफ्रेंशियल क्रेटर की लिस्ट दी गई है प्रिफ्रेंशियल का मतलब है कि इनको सबसे पहले पेमेंट करेंगे इन प्रायोरिटी टू अदर डेट्स बट वर्कमेन ड्यू और सिक्योर क्रेटर को तो सबसे पहले क्योंकि थ्री ट्वेंटी सिक्स करता है थ्री ट्वेंटी सेवन को तो, आ, आ, तो सबसे पहले प्रिफ्रेंशियल क्रेटर में सात क्रिएटर दिए गए जो भी टैक्सेस ड्यूटीज़ दु, दु, हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को पेबल है ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेल्व मंथ में ड्यू हुए थे रेलिवेंट डेट के रेलिवेंट डेट का मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑर्डर के पिछले बारह महीने के अंदर जो भी टैक्सेस ड्यू हुए हैं पेबल हैं वो प्रिफ्रेंसियल क्रिएटर है सेकेंड सैलरी एंड वेजेस ऑफ इम्प्लॉयीज़ इम्प्लॉयीज वर्कर नहीं वर्क में तो ऊपर कवर हो गए थ्री ट्वेंटी सिक्स में ये इंप्लॉयी हैं लाइक डायरेक्टर हो गया मैनेजर हो गया अगर इनकी सैलरी पिछले 12 महीने में जो ड्यू हुई थी उसमें से चार महीने को प्रिफरेंशियल मानेंगे केवल चार महीने को 12 महीने में से चार महीने में का प्रिफ्रेंसियल रहेगा थर्ड इज द ऑल एक्रूड हॉलीडे रिमरेशन ऑल एक्रूड हॉलीडे रिमरेशन ऑफ एम्प्लॉई फोर्थ इज द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द इम्प्लॉयर टू पी एफ विच बिकम ड्यू ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेल्व मंथ बिफोर द रेलिवेंट डेट मतलब जो पी एफ का कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल है इम्प्लॉयर के द्वारा पिछले बारह महीने में ड्यू हुआ था वो प्रिफ्रेंसियल रहेगा नेक्स्ट कम्पेंसेशन अगर इम्प्लॉय को देथ में जो कंपेंसेसन देना बाकी है वो नेक्स्ट इज द सम ड्यू टू द इम्प्लॉय अंडर वेरियस फंड लाइक प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड पेंशन फंड इसका पैसा जो इम्प्लॉय को ड्यू हो गया है वो और लास्ट इज द इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसिस

ने डिबेंचर इशू किए हैं और उस पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है तो प्रिफरेंसियल क्रिएटर को पेमेंट करने के बाद इनको पेमेंट किया जाएगा डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज को प्रिफरेंसियल क्रिएटर को पेमेंट करने के बाद पेमेंट करेंगे और उसके बाद फिर अदर जो भी बचते अदर क्रिएटर उनको पेमेंट करेंगे तो एक पेमेंट की प्रायोरिटी याद रखिएगा फर्स्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमेन ड्यू इनको पहले पेमेंट करेंगे फर्स्ट सेकेंड कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप थर्ड प्रिफ्रेंशियल क्रेडिटर, जो सात क्रेडिटर हैं फोर्थ इज द डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज फिफ्थ इज द अदर जितने भी क्रेडिटर बच जाते हैं और सिक्स इज द प्रिफरेंस शेयर होल्डर एंड सेवेंथ इज द इक्विटी शेयर होल्डर दैट्स ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन पहला सिक्योर्ड क्रेडिटर वर्क मेन ड्यू को फुल पेमेंट करेंगे उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप उसके बाद प्रिफरेंसल क्रेडिटर जो सात क्रेडिटर हैं उनका पेमेंट करेंगे उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज उसके बाद अदर जितने भी क्रेडिटर है उसके बाद प्रिफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर नेक्स्ट थ्री ट्वेंटी एट वाइंडिंग अप कमिज होने के वाइंडिंग अप कमिज होने के पिछले सिक्स मंथ के अंदर अगर कंपनी ने किसी क्रेडिटर को ऐसा एक्ट किया है क्रिएटर के साथ जिससे उसकी पोजीशन वाइंडिंग अप में बेटर हो गई अगर वो एक्ट नहीं किया गया होता वो थिंग नहीं की गई होती तो वो पोजीशन नहीं होती बेटर या फिर कंपनी ने पिछले सिक्स मंथ के अंदर क्रिएटर को पेमेंट कर दिया है या फिर प्रॉपर्टी या गुड्स डिलीवर कर दिया है और मेला फाइट गलत इंटेंशन से किया है मतलब विद द इंटेंशन टू गिव प्रेफरेंस टू द सच क्रिएटर तो ट्रिब्यूनल उस ट्रांजैक्शन को व्हाइट डिक्लेयर कर देगी तो ट्रांजेक्शन शुड बी अंडर विद इन मंथ बिफोर द ऑफ वाइंडिंग सिक्सिंगअप ट्रांजेक्शन टू गिफर प्रिफरेंस दिया गया है तो इस केस में ट्रिब्यूनल उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देगी दैट इज सेक्शन थ्री ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी नाइन अगर कंपनी ने कोई भी वॉलेंट्री अपनी एसेट बेची है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप कमेंस होने के पिछले बारह महीने के अंदर वाइंडिंग अप कमेंस होने के पिछले एक साल के अंदर अगर कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी या गुड्स डिलीवर किया है तो उस केस में उस ट्रांजेक्शन को वॉइड माना जाएगा एक्सेप्शन है कि अगर वो ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है या फिर वो ट्रांजेक्शन गुड फेथ में और वैल्यूबल कंसिडरेशन में हुआ है तो फिर वो ट्रांजेक्शन वैलिड रहेगा थ्री में यह दिया गया एनी ट्रांसफर और असाइनमेंट मतलब वाइंडिंग अप के समय अगर कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी असाइन करती है ट्रांसफर करती है टू द ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी ऑफ क्रेडिटर्स तो वो असाइनमेंट वाइंडिंग वाइंडिंगअप मतलब कंसेप्ट ये है कि एक बार वाइंडिंग अप हो गई ना तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिक्विडेटर करेगा लिक्विडेटर ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसे ट्रस्टी को दे दो जो डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टी है ना उनको दे दो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिटर को ऐसा नहीं हो सकता अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ है तो वो वाइड माना जाएगा नेक्स्ट थ्री थर्टी टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोटिंग चार्ज अगर वाइंडिंग अप के पिछले बारह महीने के अंदर कमेस होने के वाइंडिंग अप कमेस होने के पिछले कमेंसमेंट डेट का मतलब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और पीटिसन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन देखिए ध्यान रखिएगा 328 329 330 332 इन सभी में लिखा हुआ है वाइंडिंग अप कमेस होने के पिछले लास्ट और जबकि थ्री ट्वेंटी सेवन में रेलिवेंट डेट का मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑर्डर अलग डेट होती है और वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट अलग डेट होती है वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट का मतलब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीसन डेट ऑफ जिस दिन हमने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया टू में वो डेट मानी जाती है डेट ऑफ प्रेजेंट इज तो अगर वाइंडिंग अप के पिछले बारह महीने के अंदर अगर कंपनी ने अपनी एसेट पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है फ्लोटिंग चार्ज तो वो चार्ज वाइड माना जाएगा लेकिन दो केस में चार्ज वैलिड रहेगा अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो पूरा का पूरा चार्ज वैलिड रहेगा और सेकेंड केस कि अगर कंपनी भले ही इंसॉल्वेंट है लेकिन चार्ज क्रिएट होने के बाद चार्ज क्रिएट होने के बाद कंपनी को जितना कैश मिला है टू द एक्सटेंड कैश रिसीव चार्ज क्रिएट होने के बाद अगर कंपनी को कैश मिला है टू द एक्सटेंड कैश रिसीव टूगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट और सच अदर रेट नोटिफाई बाय द द गवर्नमेंट चार्ज रिमेन वैलिड रिमेनिंग चार्ज चार सेलबी तो जितना कैश मिला है यानी कि लोन मिला होगा चार्ज क्यों क्रिएट किए लोन लेने के लिए तो जितना लोन आपको चार्ज क्रिएट होने के सब्सिक्वेंटली मिला है कैश उस हद तक का चार्ज टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट और सच अदर रेट चार्ज चार बी वैलिड रिमेनिंग चार्ज चार बी वॉइड थ्री थर्टी थ्री डिस्क्लेमर छोड़ना अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपनी के लिए बर्डन सम हो गई है कंपनी के लिए लॉस मेकिंग हो गई है जिससे कुछ मिलेगा नहीं और जाएगा कंपनी के लिए तो लिक्विडेटर को राइट दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम छोड़ सकता है उस प्रॉपर्टी में अपना राइट हक त्याग कर सकता है लेकिन ये राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है वाइंडिंग अप ऑर्डर होने के बारह महीने के अंदर लेकिन अगर लिक्विडेटर को वाइंडिंग अप ऑर्डर के एक महीने के अंदर ये प्रॉपर्टी पता नहीं चलती अवेयर नहीं होता है कि कंपनी में ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी है तो जिस दिन उसे ये प्रॉपर्टी के बारे में पता चला उसके बारह महीने के अंदर ट्रिब्यूनल ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है इसके लिए वो अप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल अगर परमिट करती है ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना पड़ेगा तो ट्रिब्यूनल राइट लिक्विडेटर को परमिट कर देगी लेकिन एक केस में लिक्विडेटर नहीं कर सकता डिस्लेमर अगर उस डिस्क्लेमर करने से थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट प्रिजुडाइज हो रहा है और थर्ड पर्सन कंपनी को लिक्विडेटर से इंक्वायरी करता है कि क्या आप हमें डिस्क्लेम करने वाले हो कि नहीं और कंपनी लिक्विडेटर 28 दिन के अंदर कोई रिस्पांस नहीं देता है लिक्विडेटर थर्ड पार्टी के इंक्वायरी लेटर का कोई रिस्पांस नहीं देता है तो अब लिक्विडेटर उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम नहीं कर सकता है तो अगर आप मेरे को डिस्क्लेम करने वाले हो मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो मैं अप्लीकेशन दूंगा लिक्विडेटर को कि क्या आप डिस्क्लेम करने वाले हो क्या अगर आप मेरे को अट्ठाईस दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो लिक्विडेटर अब कोई डिस्क्लेम नहीं कर सकता है दैट्स इज सेक्शन थ्री थ्री थर्टी थ्री ट्रांसफ़र आफ्टर वाइंडिंग अप अगर कंपनी कोई भी ऐसे ट्रांसफ़र करती है या सेयर ट्रांसफ़र होते तो वो वाइड रहेंगे बिना ट्रिब्यूनल के परमिशन के वो नहीं हो सकते हैं थ्री थर्टी फाइव एक्जीक्यूशन अटैचमेंट मतलब सपोज मेरे को मैं क्रिएटर हूँ मुझे पैसा लेना है कंपनी नहीं दे रही है मैंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर दे दिया कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी से रिकवर कर लो तो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अटैच अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर एक बार आ गया ना तो अब कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अटैचमेंट नहीं हो सकती कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता सेल नहीं किया जा सकता डिस्ट्रेस नहीं किया जा सीज नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के बिना परमिशन इवन कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है फिर भी एक्सेप्ट केवल टैक्स रिकवरी अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है कि इनकम टैक्स की रिकवरी करना है तो उसके लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है रिकवर टैक्स जो से, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल है ना टैक्स उसको रिकवर करने के लिए एसेट अटैच किया जा सकता है बेचा जा सकता है डेट इज सेक्शन थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी सिक्स है ऑफेंसेस के बारे में इसमें दो पनिशमेंट दी गई है पहली पनिशमेंट ऑफिसर और इम्प्लॉय पर है अगर कोई भी ऑफिसर इम्प्लॉय जिसको पता है कि कंपनी की ये प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को नहीं बताता है कंसील करता है या प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में रखे रहता है लिक्विडेटर को नहीं देता है या वो जानबूझकर झूठ बोलकर कंपनी के क्रेडिटर से उधारी ले लेता ले है कंपनी के नाम से टू एक्वायर द प्रॉपर्टी और उसका इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का मैंने झूठ बोलकर आपसे लोन ले लिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कंपनी के नाम से और मेरा इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का या फिर वो कंसील करता है कंपनी की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू हजार रुपए या उससे अधिक है या बुक्स ऑफ अकाउंट में फॉल्स एंट्री पास करता है तो इन सभी केस में उस ऑफिसर पर तीन से पांच साल की जेल एंड एक लाख से तीन लाख का फाइन लगेगा फर्दर एक और पनिशमेंट जो यहाँ पर नहीं दी गई है नोट बना लीजिएगा जरूर अगर कंपनी का ऑफिसर जिसने एक ऐसी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से खरीदी है जो क्रेडिटर को चीटिंग करके उधारी खरीदी है जिसमें पे, पेमेंट नहीं हुआ है अभी सपोज एक बिल्डिंग खरीदी गई इसका पेमेंट नहीं हुआ है इसका पेमेंट थर्ड पर्सन को नहीं हुआ है और कंपनी का ऑफिसर इस बिल्डिंग को किसी दूसरे को प्लेज कर देता है बेच देता है दूसरे थर्ड पर्सन को और थर्ड पर्सन को पता है कि ये प्रॉपर्टी ना कंपनी ने कंपनी के ऑफिसर लोगों ने फ्रॉड करके एक्वायर की है चोरी करके एक्वायर की है झूठ बोलकर एक्वायर की है, तो थर्ड पर्सन पर भी पनिशमेंट अट्रेक होगी कितनी पनिशमेंट तीन से पांच साल की जेल एंड फाइन तीन से पांच लाख का मतलब थर्ड पर्सन पर ज्यादा पनिशमेंट है देखिए ऑफिसर पर तो केवल एक लाख से तीन लाख है लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन पर जो, जो 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 बायर है जो बायर है जो प्लेजी है जिसने जिसके पास हमने प्लेज किया है इस बिल्डिंग को हमने थर्ड पर्सन के पास प्लेस किया है लोन लेने के लिए जबकि इस थर्ड पर्सन को पता था ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएटेड है फिर भी उसने ये वो प्रॉपर्टी रख ली तो उस थर्ड पर्सन पर तीन से पांच साल की जेल एंड तीन से पांच लाख का फाइन अट्रैक होगा नेक्स्ट सेक्शन 344 अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है जो भी इन्वय लेटर हेड इशू करेगी उसमें लिखेगी कि कंपनी वाइंडिंग अप में चल रही है अगर ऐसा नहीं करती है तो ऑफिसर पर 50,000 और सिक्स मंथ से तीन लाख की फाइन अट्रैक हो सकती है पचास हजार से तीन लाख का फाइन नेक्स्ट जैसे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर होता है थ्री में लिखा हुआ है कि क्रेटर कॉन्ट्रीब्यूटरी बुक्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं सब्जेक्ट टू रूल प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 347 जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप कंप्लीट हो गया अब कंपनी डिजॉल्व होने वाली है तो कंपनी की बुक्स जो लिक्विडेटर की बुक्स है उसको डिस्पोज ऑफ के बारे में ट्रिब्यूनल बताएगी कैसे डिस्पोज ऑफ करना है लेकिन पांच साल के बाद वाइंडिंग अप डिजॉल्यूशन ऑर्डर के पांच साल के बाद कोई भी लाइबल नहीं रहेगा अगर बाद में कोई थर्ड पर्सन आकर बोलता है लिक्विडेटर को कि हमें बुक्स बताओ तो लिक्विडेटर की कोई लाइबिलिटी नहीं है कितने साल के बाद पाँच साल के बाद फ्रॉम द डिजॉल्यूशन ऑर्डर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन लास्ट सेक्शन है थ्री फिफ्टी टू कंपनी लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यू डिविडेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसिड अकाउंट देखिए लिक्विडेटर ने एसिड बेची क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए चेक भेजा वो चेक अनडिलीवर हो गया क्योंकि उसका एड्रेस गलत था या उसने क्लेम नहीं किया या वो कहीं शिफ्ट हो गया या उसकी डेथ हो गई कोई भी रीजन हो तो अगर क्रेडिटर को या कॉन्ट्रीब्यूटरी को कोई पैसा देना है और वो रिमेन अनपेड है और लिक्विडेटर के हैंड में पड़ा है छः महीने हो गए तो अब छः महीने के बाद उस पैसे को एक अलग से अकाउंट ओपन करना है स्पेशल अकाउंट शेड्यूल बैंक में जिसका नाम रहेगा कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेड अकाउंट तो वाइंडिंग अप के समय लिक्विडेटर के पास कोई ऐसा पैसा है जो क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी को देना है जो छः महीने हो गए हैं ड्यू हुए रिफंडेबल हुए तो इस केस में जो पैसा पड़ा है उसको स्पेशल अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेड अकाउंट और उस अकाउंट में वो पैसा पंद्रह साल तक रहेगा पंद्रह साल के अंदर कोई भी क्रेटर कॉन्ट्रीब्यूटरी आर को अप्लीकेशन देकर उस पैसे अपने पैसे को क्लेम कर सकता है आर उसके क्लेम को सेटल करेगी अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है विद इन सिक्सटी डेज के अंदर अगर आर क्लेम सेटल नहीं करती है तो आर रीजन के साथ रिपोर्ट करेगी रीजनल डायरेक्टर को कि किस रीजन की वजह से वो क्लेम को सेटल नहीं कर पा रही है सिक्सटी डेज के अंदर वो आर ना रिपोर्ट करेगी किसको रीजनल डायरेक्टर को और पंद्रह साल के बाद अब वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जर्नल रिवेन्यू अकाउंट है उस अकाउंट में वो मनी ट्रांसफर कर दी जाएगी पंद्रह साल के बाद जब इस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के जर्नल रिवेन्यू तो इस अकाउंट से भी कंट्रीब्यूटरी या क्रेडिटर क्लेम कर सकते हैं पैसा बाय मेकिंग अप्लीकेशन टू आर ओ सी क्लेम को सेटल करेगी सिक्सटी डेज के अंदर अगर नहीं कर पा रही है तो रीजन के साथ वो कम्युनिकेट करेगी रीजनल डायरेक्टर को अगर लिक्विडेटर इस अकाउंट में पैसा जमा नहीं करता स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम है कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे अकाउंट तो उस पर पांच कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं पहला उसको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी उसको 12 परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ सकता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट को माफ़ कर सकती है अगर वो प्रॉपर रीजन शो कर देता है लिक्विडेटर प्लस लिक्विडेटर पेनल्टी पर लग सकती है जो कि आर ओ करेगी प्लस वो लाइबल रहेगा एनी एक्सपेंस अगर कोई ख़र्चा हो गया वो मनी तो इस केस में वो खर्चा जो हुआ है रिम्बर्स करेगा एंड लाइवल टू रिमरेशन उसकी डिडक्ट ट्रिब्यूनल उसकी रिबरेशन डिसअलाउ कर सकती है और ट्रिब्यूनल उसे रिमूव भी कर सकती है ये पांच कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर लिक्विडेटर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंसन करता है नेक्स्ट लिक्विडेटर को रिटर्न फाइल करना है अगर वो नहीं करता है तो टाइम टू टाइम बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं अकाउंट फाइल करने पड़ते हैं ट्रिब्यूनल के पास आर के पास अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसे नोटिस दी जाएगी खुद लिक्विडेटर को कौन देगा क्रेटर कंट्रीब्यूटरी या आर की भैया तुम रिटर्न फाइल करो चौदह दिन के अंदर नहीं करता है तो फिर क्रेटर लोग कंट्रीब्यूटरी लोग आर लोग किसके पास जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर देगी कि आप इमीडिएटली टाइम लिमिट बताएगी कि लिक्विडेटर को कि आप इस दिन के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर लो अपना रिटर्न फाइल कर दो 356 फिर 357 में कमिशमेंट ऑफ वाइंडिंग अप जब जब वर्ड मिलेगा कमिश्न ऑफ अप इसका मतलब है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 356 फिफ्टी वॉइड डिजॉल्यूशन कर देना सोचिए ट्रिब्यूनल ने डिजॉल्यूशन ऑर्डर पास कर दिया मतलब कंपनी स्टैंड डिजॉल कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया उसके बाद भी ट्रिब्यूनल को पावर है कि दो साल के अंदर कंपनी अपने ट्रिब्यूनल अपने डिजॉल्यूशन ऑर्डर को वॉइड डिक्लियर कर सकती है अगर अगर फॉर एग्जाम्पल कब करेगी अगर कंपनी की सपोज कोई एसेट जो है ना वो लिक्विडेटर बेचना भूल गया उसको भी पता नहीं था कि ये कंपनी की एसेट है बाद में ये सामने में आया कि ये दो करोड़ की एसेट बची हुई है जो बेचना बाकी है तो बेचना है तो अब कंपनी ही बेचेगी जब तक कंपनी नहीं आएगी एग्जिस्टेंस में तब तक वो एसेट नहीं बिक सकती तो इस केस में लिक्विडेटर या एनी पर्सन जिसका इंटरेस्ट है वो अप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को दो साल के अंदर याद रखिएगा और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर पास करेगी कि इस डिजॉल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर किया जाए और फिर उस एसेट को बेचकर फिर बाद में डिजॉल्यूशन ऑर्डर फिर से लिया जाए क्रिमिनल के ऑर्डर की कॉपी जो वाइड ऑर्डर हुआ है ना उसके ऑर्डर की कॉपी फाइल करना है कंपल्सरी तीस दिन के अंदर आर को अगर नहीं किए ना तो दस हज़ार तक की पर डे की फ़ाइन अट्रैक हो सकती है लिक्विडेटर पर या जिसने अप्लीकेशन दिया था डिजॉल्यूशन को वाइड डिक्लेयर करने के लिए उस पर्सन को फाइल करना था उसने फाइल नहीं किया तो उस पर्सन पर दस हज़ार रुपये पर डे का फाइन अट्रैक हो सकता है तो ये देखिए मैंने पूरा वाइंडिंग अप पूरा इंटायरली आपको लगभग फोर्टी मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और कुछ सजेशन हो तो आप सजेशन आपसे इन्वाइटेड है थैंक यू